अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके सामने अहमदाबाद की भटियारा स्टाइल कीमा बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से बनने वाली लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी इस बिरयानी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कीमा बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले एक कुकर के अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये हमने 400 ग्राम कीमे को अच्छे से धो के लिया ये डालेंगे। कीमे को हमें पानी सूखने तक अच्छे से भून लेना है। कीमे का सारा पानी सूख चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला। ये मेरा मल्टीपर्पज़ गर्म मसाला है। इससे बिरयानी, पुलाव, नॉन वेज वेज जो भी आइटम बनाते हैं उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्लीज़ देखें। 2 टेबल स्पून भुना और कूटा जीरा डालेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 5 हरी मिर्चों को हमने बारीक क्रश कर लिया ये ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। हमारे अहमदाबाद में जो भी बिरयानी बनती है उसके अंदर धनिया पाउडर नहीं डाला जाता और लाल मिर्चों का पाउडर कोई कोई डालता है और कोई कोई नहीं डालता है। जिसको लालपन पसंद होता है ना वही लाल मिर्चों का पाउडर डालता है। बाकी बिरयानी होती है वो हरी मिर्चों में ही बनती है। 1 नींबू का रस डालेंगे। अगर आपके नींबू सूख गए उसमें से कम रस निकलता हो तो आप क्या करें, थोड़ी देर के लिए उसको गर्म पानी में डाल दें तो ढेर सारा रस निकलेगा। ये डालेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इन सबको हमें अच्छे से भून लेना है। अगर आप बीफ का कीमा ले रहे हो तो 2-3 सीटी लगा लें। मैंने ये मटन का कीमा लिया, इसके लिए तुरंत ही गल जाएगा। 1 मिनट के लिए हमने सारे मसालों को भून लिया। इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इसका कच्चापन निकालना है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये हमने 1 कप यानी 200 ग्राम दही लिया, ये ऐड करेंगे। दही को अच्छे से मिला लेते हैं। 150 ग्राम हमने तली हुई प्याज भी ऐड करेंगे, थोड़ी सी बचा लेनी ऊपर गार्निशिंग के लिए, और इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। बहुत ज़्यादा आसान लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बिरयानी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। कुकर के बीचों बीच एक कटोरी रखेंगे और जलते हुए कोयले रखेंगे। अगर आप डायरेक्ट कोयला डालते हो तो फूंक मार के डालें ताकि इसकी सारी राख निकल जाए। 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे और ढक्कन लगा देते हैं। 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख छोड़ेंगे, तब तक हमारे चावल भी बॉईल हो जाएंगे। 2 लीटर पानी को हमने बॉईल होने के लिए रखा है। 3 बड़े चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून सा जीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 4-5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 स्टार फूल, 1/4 चम्मच यानी 15 से 20 दाने हम काली मिर्च के ऐड करेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 2 तेज़पत्ता, 1 नींबू का रस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे ताकि चावल आपस में चिपके नहीं, और 1 टीस्पून ही अच्छी सी खुशबू के लिए केवड़ा वाटर डालेंगे। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं लेकिन 4-5 ड्रॉप ही डालें। पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है। ये हमने 300 ग्राम जितने सेला राइस लिए इनको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, ये ऐड करेंगे। एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए 70% जितना हम इसको बॉईल करेंगे, क्योंकि हमने कीमे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, इसके लिए इसको हम थोड़ा कम पकाएंगे। फ्लेम को आपको हाई रखना है। चावलों को हमने 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लिया, इसे छान के निकाल लेते हैं। चावल के इस तरीके से टुकड़े होने चाहिए, ये बिल्कुल भी मैश नहीं होने चाहिए, इतने चावल होने चाहिए। 2 कड़ी के टुकड़े में देखिए सारे चावल को हमने निकाल लिया है। अब हम इसी कड़े के अंदर बिरयानी को दम पे रखेंगे। नीचे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टेबल स्पून, थोड़े से चावल डालेंगे। चावल डालने से मसाला नीचे चिपकता नहीं है, और कीमे का मसाला डालेंगे। अब आप चाहें तो इस स्टेज के अंदर इसके अंदर धनिया और पुदीना भी डाल सकते हैं। हमारे अहमदाबाद में जो बिरयानी बनती है उसमें हरा धनिया, पुदीना और सूखा धनिया कोई भी चीज़ नहीं डलती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिरयानी लगती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। 2 अंडों को हमने बॉईल कर लिया है, उसको इस तरीके से स्लाइस करके डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं। बाकी के बचे हुए सारे चावल ऊपर डाल देंगे और आप चाहें तो 2 लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन भटियारे इसी तरीके से बनाते हैं। नीचे मसाला डालते हैं, ऊपर चावल, थोड़ा सा घी डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून, तली हुई प्याज और फूड कलर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अगर आप फूड कलर नहीं डाल रहे हो तो आप इसके अंदर 1/2 कप जितना पानी और डाल दें और 1 अंडा फिर से डालेंगे। 1 कपड़ा ढक देंगे, कॉटन का तवाल ले ध्यान रखें और ढक्कन लगा के और इसको पैक कर देते हैं।
आप चाहे तो आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन आटे से वो क्या होता है, वो इतना सारा आटा रह जाता है। और इसके नीचे छोटा सा तवा या पतरा जरूर रखें ताकि चावल और बिरयानी हमारी नीचे से जले नहीं। बिरयानी को हमने लगभग 25 मिनट के लिए दम पे रखा और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से दम पे लग गई है। दम पे लगने के बाद हमने इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख छोड़ा ताकि चावल अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी और खुशबूदार बिरयानी बनके तैयार हुई है। और ये हमने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनने वाली गर्मा गर्म भटियारा स्टाइल बिरयानी को सर्व कराए। आप देख सकते हैं दिखने में कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। इसके साथ ही हमने दही का रायता भी बनाया है, तो आप भी इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।